नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे तो हम सभी ने देख ही लिए हैं और साथ ही दोस्तों बीजेपी और एनडीए मिलकर फिर से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार का अनुमान एग्जिट पोल से लगाया गया था, चुनावी रिजल्ट से उसका दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं था। तो दोस्तों आखिर क्या हुआ कि 350 सीटों का दावा करने वाली बीजेपी 240 सीटों में ही आकर अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ पिछली बार 60 सीटों से भी कम लाने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार 100 के आंकड़े के आसपास हो गई है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जिस यूपी में बीजेपी वालों ने 70 प्लस सीटों की उम्मीद लगाए बैठे थे, वहां मात्र उन्हें 37 सीटों में ही संतोष करना पड़ा। दोस्तों वो तो भला हो ओडिशा जैसा स्टेट का जहां बीजेपी को 8 से 10 सीटें पहले ही मिल गई, और दोस्तों साथ ही भला हो मध्य प्रदेश और गुजरात का जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई। नहीं तो दोस्तों यूपी से महाराष्ट्र तक और राजस्थान से बंगाल तक जनता ने जो रुख दिखाया है इस बार, जिससे कि इनकी सरकार भी जा सकती थी। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह भी है कि अकेले बीजेपी जितनी सीटें लाई हैं, उतनी इंडिया गठबंधन के 30 पार्टियों ने मिलकर भी बीजेपी का सामना नहीं कर पाई है। और दोस्तों जहां तक की बीजेपी की बात करें तो वह अपनी गलतियों से सीखते बहुत जल्दी हैं। और दोस्तों साथ ही बीजेपी वाले को यह समझना पड़ेगा कि जनता को उनकी राम मंदिर वाला मुद्दा पसंद नहीं आया। दोस्तों मंदिर और मस्जिद तो सिर्फ आस्था की चीजें हैं। दोस्तों साथ ही बीजेपी वालों को यह भी समझना पड़ेगा कि जनता को भी अपने वर्तमान जीवन में रोजगार, कम महंगाई, अच्छी सड़कें, अच्छा शिक्षा जैसे चीजों की जरूरत है। दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले और अपना ओपिनियन कमेंट में देना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।